फाइनली अभी मैं देख कर आ रहा हूँ द गोट मूवी स्टारिंग पृथ्वीराज सुकुमारन। अब मूवी कैसी है, स्टोरी क्या है और इससे भी इम्पोर्टेंट बात की इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी कैसी है। देखो ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है मूवी आपके लिए सही है फिर नहीं। तो सबसे पहले इस मूवी की मेन चीज यानी कि इसके सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो अगर आपको हॉलीवुड की बिगेस्ट मूवी जिसमें रेगिस्तान को भर भर कर दिखाया गया लाइक ड्यून पार्ट टू मैड मैक्स और अगर आप भी इन दोनों मूवी की सिनेमेटोग्राफी को देखकर ये सोच रहे हैं कि काश ऐसी मूवी इंडिया में भी बनती तो मेरे भाई द गोट तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी तुम्हें हर वक्त ड्यून पार्ट टू और मैड मैक्स की याद दिलाती रहेगी। अब देखो जिन लोगों ने भी ड्यून पार्ट टू और मैड मैक्स मूवी देखी है उनको मेरी बात ऐसे समझ में आ रही होगी, लेकिन जिन लोगों ने इन दोनों ही मूवी को नहीं देखा है उनको मेरी बातें सर के ऊपर से जारी होंगी। पर खैर टॉपिक ये नहीं है, ये है कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी तुम्हें ओल्ड हिस्ट्री की याद दिला देगी। बात करें मूवी की स्टोरी की तो मूवी की स्टोरी वही कुछ है सारके की डंकी की जैसी है। मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन और उनके फ्रेंड काम की लालच में जाकर सऊदी अरब में फंस गए हैं। फिर यहां से मूवी की असली स्टोरी सामने आती है। मूवी की लेंथ अराउंड 3 घंटे के आसपास है जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें इनकी बंधुआ स्थिति को दिखाई गई, सेकंड पार्ट में ये दोनों वहां से भाग निकलते हैं, फिर रेगिस्तान में इनकी हालत बद से बदतर होती जाती है। सो एट लास्ट अगर मैं इस मूवी को सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं भाई साहब ये मूवी उन सभी लोगों के लिए बेस्ट होने वाली जो कि एडवेंचर टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं या फिर जो लाइफ के रियल मीनिंग के बारे में जानना चाहते हैं। वेल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।